नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है। इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा हुआ था और उसी से आगे आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि आगामी PCS परीक्षा में उत्तर प्रदेश से संबंधित कई सवाल पूछे जाने की संभावना है और ऐसा पीछे अगर देखा जाए तो हमेशा से ही उत्तर प्रदेश के सवालों की अधिकता रही है, ना केवल प्रारंभिक परीक्षा में अब तो मुख्य परीक्षा में भी लिखित रूप में GS का पेपर हो रहा है, तो अब यहाँ से भी बड़े प्रश्न या टिप्पणी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए जहाँ तक हम लोग अभी इसको तथ्यात्मक रूप में पढ़ते थे, हमें एक इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, एक समझ विकसित करना है कि अगर उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना कहा जाता है तो उसके बारे में हमारे मस्तिष्क में क्या चीज़ें आनी चाहिए, उसका क्रम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो हम उससे संबंधित उत्तर को आसानी से लिख पाएंगे और प्रभावी ढंग से अपनी दावेदारी पेश कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना का हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को हम लोगों ने बताया था कि उत्तर प्रदेश भारतीय क्षेत्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। अगर भौगोलिक संरचना की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को तीन भागों में बांट करके हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं और वो तीन भाग इस रूप में है कि भावर एवं तराई का क्षेत्र, भावर एवं तराई का क्षेत्र, एक तो ये क्षेत्र हो जाता है और दूसरा है मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र। भागों में उत्तर प्रदेश को भौगोलिक संरचना के अनुसार वर्गीकृत करते हैं और इसी को क्रम से एक एक करके हम लोग देखते हैं। किंतु इसके साथ में अगर मैप बनाया जाए तो उसके साथ में इसका अध्ययन करना आसान हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा मैप का भी सहारा ले लेते हैं। यह ललितपुर का क्षेत्र है, तो ये उत्तर प्रदेश कुछ इस आकार में बनता है। उत्तर प्रदेश इस आकार में बनता है। ये उत्तर और दक्षिण में इसकी चौड़ाई कम है, 240 किलोमीटर, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, और पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से इसकी एक सामान्य आकार बनता है। पूर्व से पश्चिम में यह लंबवत इसका आकार है और इसे जब हम इन तीन क्षेत्रों के आधार पर अध्ययन करते हैं, जिसे हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना कह सकते हैं, तो तीन रूपों में अगर हम इसे मैप के आधार पर बांट लेते हैं तो एक फोटो बनता है हमारे माइंड में, एक पिक्चर बनता है जिससे इसे समझना आसान हो जाता है। तो यहां से ऐसे मान के चलिए इस तरीके से है और फिर बाद में ऐसे बनता है। मैदानी क्षेत्र जो है बड़ा है, ये दक्षिण का पठारी और पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है। ये उत्तर में हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र है जो कि भावर एवं तराई का क्षेत्र होता है। अब ये भी भावर एवं तराई भी दो पार्ट में ये बटा हुआ है। ऊपर यहां पर भावर पहले हो जाता है और इसके बाद तराई का क्षेत्र आता है।
तराई मतलब भावर के जस्ट बाद। तो भावर एवं तराई का क्षेत्र हिमालय के दक्षिण में और मध्यवर्ती मैदान के उत्तर में है, और यह उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में आता है। भावर इसे भी भावर एवं तराई का क्षेत्र भी दो भाग में भावर एवं तराई के रूप में बटा हुआ है। ये सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक, सहारनपुर जैसा कि आपको जानकारी है कि यह क्षेत्र सहारनपुर है, तो यहां से कुशीनगर तक ये जाता है। और भावर का जो क्षेत्र है वह पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में सकरा है, यानी कि ये क्षेत्र जो है यहाँ पे चौड़ा है, यहाँ पे आके सकरा हो जाता है। किंतु तराई का जो क्षेत्र है, जब चूंकि यहाँ पे भावर का क्षेत्र चौड़ा हो जाता है, तो तराई का क्षेत्र यहाँ पे सकरा हो जाता है, और यहाँ आकर के जो है ये इसके विपरीत स्थिति में बनता है कि भावर का क्षेत्र पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में जाकर के सकरा हो जाता है, किंतु तराई का क्षेत्र जो है वो पूर्व में चौड़ा है और पश्चिम में आकर के ये संकरा हो जाता है। तो ये तराई का जो है क्षेत्र है। ये भावर का क्षेत्र ककड़ीरी पथरीली है, ऊबड़ खाबड़ भूमि है। यहाँ पर जो नदियां आती हैं, ऊबड़ खाबड़ एवं ककड़ीरी पथरीली होने के कारण से नदियां यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, उसमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। और जब ये तराई क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, तो इस तराई क्षेत्र में अवसाद के रूप में होता है, यहाँ पे बारीक कण होते हैं, यहाँ दलदली क्षेत्र पाया जाता है, और भूमि यहाँ की नम होती है। यह तराई क्षेत्र की अपनी विशेषता होती है। तो ये भावर और तराई क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग रेखांकित और चिन्हित किया जाता है। और ये तराई क्षेत्र भी इसी तरीके से जो है यहाँ सहारनपुर क्षेत्र से जो है पूर्व में कुशीनगर तक फैला हुआ है। तो ये भावर और तराई के रूप में जाना जाता है, जो कि भौगोलिक संरचना के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान ये उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसी कारण से इसे उत्तर भारत का जो है आर्थिक रीढ़ भी कहा जाता है। यह गंगा और यमुना के दोआब के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व में गंडक नदी और पश्चिम में यमुना नदी इसका बॉर्डर यानी कि इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। इस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है और यहाँ पर गंडक नदी बहती है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के रूप में निर्धारित करती है। यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा है, जो कि यमुना नदी के माध्यम से दोनों के बीच में उसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। मध्यवर्ती मैदान का निर्माण जो है वह गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी, काप, कीचड़ इत्यादि से बना हुआ है, और इसी कारण से ये बहुत ही उपजाऊ मैदान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर गेहूं और चावल मुख्य फसल के रूप में उगाई जाती हैं, और इसके साथ साथ सभी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। प्रमुखता के साथ जो है गेहूं और चावल का उत्पादन किया जाता है, और उत्तर प्रदेश जैसा कि एक कृषि प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है, तो इस कारण से यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में यहाँ उत्पादन बहुत होता है, और इसी कारण से इस मैदान को उत्तर प्रदेश में आर्थिक रीढ़ के नाम से जाना जाता है। तो मध्यवर्ती मैदान गंगा और उसकी सहायक जैसे राम गंगा नदी है, और साथ में कई सहायक अन्य नदियां हैं, घाघरा है, राप्ती है, ये सब नदियां जो है इसकी सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जल पहुंचाती हैं, जिसके माध्यम से वहां पे भूमि भी उपजाऊ होती है, सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, उर्वरक की आवश्यकता कम पड़ती है, और काफी मात्रा में जो है यहाँ पर उत्पादन कार्य किया जाता है। अभी हम लोग इसके बाद मिट्टी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा स्थिति और स्पष्ट होगी। अभी हम लोग इसके इसमें एक और चीज हम बता दें कि अभी ये जो वर्गीकरण है ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के आधार पर हम उत्तर प्रदेश को इन तीन भागों में विभाजित किए हैं। इसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का उच्चावच पाया जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप एवं महासागरों को हम लोग सम्मिलित करते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पहाड़, पठार, मैदान को सम्मिलित करते हैं, और तृतीय श्रेणी के उच्चावच में विभिन्न भौगोलिक कारकों के द्वारा निर्मित उच्चावच या भौगोलिक अवस्थिति का अध्ययन किया जाता है। जैसे भूमिगत जल है, समुद्री जल है, पवन है, सरिता है, इनके माध्यम से जो भूमि या उच्चावच बनते हैं उनको हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित करते हैं,
तो यहाँ पर इसका जो वर्गीकरण है वो द्वितीय श्रेणी की उच्चावच के आधार पर इसमें आता है। मैदान है, पहाड़ी पठारी क्षेत्र को हम लोग इसमें अध्ययन कर रहे हैं। तो मध्यवर्ती क्षेत्र इस हिसाब से उत्तर में भावर एवं तराई तथा दक्षिण में पठारी और पर्वतीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है। इसे गंगा यमुना के दोआब के नाम से जाना जाता है। बॉर्डर के रूप में पूर्व में गंडक नदी और पश्चिम में यमुना नदी इसके बॉर्डर को बनाते हैं। जैसा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में भी जो है यमुना नदी बॉर्डर के रूप में काम करती है और कई जगहों पर बॉर्डर का निर्धारण यहाँ पर, जैसा कि उस दिन हम इसके पूर्व के लेक्चर में पढ़ रहे थे कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश केवल एक ही जनपद एक ही जो है जिले को स्पर्श करता है, हिमाचल प्रदेश है, फिर इसके बाद हरियाणा है, दिल्ली आ जाता है, फिर राजस्थान यहाँ आ जाता है और ये मध्य प्रदेश काफी बड़े जो है क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो ये हो जाता है और ये दक्षिण की पहाड़ियों पठारी क्षेत्र, दक्षिण की पहाड़ियों पठारी क्षेत्र ये बनता है। तो दक्षिण का पहाड़ियों पठारी क्षेत्र मध्यवर्ती मैदान के दक्षिण में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ ये जो है दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है उसी का उत्तरी सीमा है और इस उत्तरी सीमा में मुख्य रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड आते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड आते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड आते हैं। बुंदेलखंड जब हम उत्तर प्रदेश को इकोनॉमिक आधार पर देखते हैं, इकोनॉमिक आधार पर जब हम उत्तर प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो चार भागों में पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल मिलाकर के 7 जिले आते हैं। इन 7 जिलों में एक तो ये ललितपुर दिखता है, जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर इनको सम्मिलित किया जाता है। तो इस रूप में 7 जनपद बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं और ये बुंदेलखंड क्षेत्र दक्षिण के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र का एक भाग है, एक भाग के रूप में इसे जाना जाता है। और दूसरा बघेलखंड है, तो बघेलखंड का ज्यादातर पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश में आता है, जैसे रीवा, सतना, ये उमरिया जनपद है और ये मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी सिरे पर स्थित है। तो उत्तरी पूर्वी आपका इस क्षेत्र में यहाँ पर जाता है, ये सब क्षेत्र जो बघेलखंड में आते हैं। तो इसमें इलाहाबाद के कुछ पूर्वी भाग आता है और सोनभद्र के क्षेत्र को इसमें सम्मिलित किया जाता है और इसीलिए बघेलखंड में कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियां यहां पर पाई जाती हैं और इसका निर्माण निस चट्टानों से हुआ है। हालांकि ये इस पहाड़ी और पठारी क्षेत्र का अपक्षय हुआ है, काफी क्षरण हुआ है, इसलिए ये अवशिष्ट पहाड़ी के क्षेत्र में जाना जाता है। और यहाँ की जो पहाड़ियां हैं, राजस्थान की जो पहाड़ियां हैं, वो अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जानी जाती हैं, ये बहुत ही पुरानी है। और हिमालय जो है ये बाद में जो है बना और ये नवीन पर्वतों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। यानी कि दक्षिण की पहाड़ी और पठारी क्षेत्र अगर आयु के आधार पर देखे जाएं तो ये हिमालय जो कि बहुत ऊंची चोटी यहाँ पर है एवरेस्ट, तो उसकी तुलना में बहुत ही पुराने हैं जो है। इसी के कारण से इसका क्षरण होता रहा है और क्षरण के कारण से ये अवशिष्ट पहाड़ी और पर्वतों की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो ये कुल मिलाकर के बनता है भौगोलिक संरचना में 3 आधारों पर, जिसे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहे जाते हैं, इसके आधार पर इसका वर्गीकरण। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी को उच्चावच आप समझ लिए होंगे और ये भी कभी कभी एक समझ इसके बारे में भी होना चाहिए कि किन में क्या चीजें आती हैं, इसका क्या क्रम है। कभी कभी इस पर भी टिप्पणी पूछ सकता है या इसमें पहचानने के लिए आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक उच्चावच किस श्रेणी का, या द्वितीय श्रेणी का, या प्रथम श्रेणी का, या तृतीय श्रेणी के उच्चावच किस जो है वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक दो बार आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये समझ बनता रहेगा। और इस माध्यम से अगर आप इमेज दिमाग में बनाने का प्रयास करेंगे तो ये आसानी से जो है आपको भूलेगा भी नहीं। दूसरा, हम लोग मिट्टी पढ़ लेते हैं। जिस तरीके से इसकी भौगोलिक संरचना के 3 भाग है उसी तरीके से इसमें मिट्टी भी 3 तरीके की जो है भागों में ही बांटा गया। भावर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी, जैसा कि ये पता है कि हिमालय क्षेत्र से है, वहां की नदियां निकल करके आ रही हैं, तो वहां पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के टूटने फूटने से इसका निर्माण हुआ। तो भावर क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ एवं ककरीली पथरीली मिट्टी यहाँ पर बनती है, इसमें कृषि कार्य नहीं हो पाता है। नदियां चूंकि यहाँ पर जो है विलुप्त की होने की जो श्रेणी में पाई जाती है,
किंतु तराई क्षेत्र में जब आते हैं तो यह अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। यहां मिट्टी के जो कण है वो यहां मिट्टी के जो कण है वो बारीक पाए जाते हैं। हालांकि यहां पे नमी पाया जाता है, इस मिट्टी की विशेषता यह है कि ये नमी पाई जाती है, इसमें कहीं कहीं पे दलदल भी होता है, लेकिन अवसादों के कारण से इसका निर्माण होता है, इसलिए यह मिट्टी उपजाऊ होती है, ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें गन्ने की खेती, धान की खेती इत्यादि जो है प्रभावी रूप से किया जाता है। हालांकि इसमें अरहर और अन्य फसलें भी इसमें उगाई जाती हैं इस तराई बेल्ट में। तो ये समझ लेना है कि भावर ककड़ीली पथरीली ज्यादा होती है, इसमें कृषि कार्य नहीं हो पाता है, अनुपजाऊ किस्म की होती है, किंतु तराई जो मिट्टी है वो अवसाद और बारीक कणों से बनी होती है तो ये उपजाऊ होती है। हालांकि इसमें कहीं कहीं दलदली क्षेत्र भी पाया जाता है। तो ये भावर और तराई की मिट्टी की जो है ये विशेषता और प्रकार हो जाता है। मध्यवर्ती मैदान ये सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी के लिए और विशेष करके उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि आर्थिक विकास में यह मैदान उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास की रीढ़ कही जाती है। और मध्यवर्ती मैदान जैसा कि गंगा यमुना के द्वाब के नाम से जाना जाता है, तो इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से, कीचड़ और काप से जो ये मिट्टी बनी हुई है और इसमें नदी बहती है इस क्षेत्र में, तो यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ किस्म की होती है। और यहाँ पर फसलें, सभी प्रकार की फसलें, धान, गेहूं, गन्ना, अरहर, अन्य सभी प्रकार की मोटे अनाजों की भी फसलें यहाँ पर उत्पादित होती हैं। तो यह मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इस मिट्टी को, मध्यवर्ती मैदान की मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, खादर एवं बांगर, खादर एवं बांगर मिट्टी, ये दो प्रकार की मिट्टी में इसको बांटा गया है, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र को दो प्रकार की। खादर मध्यवर्ती मैदान का वह क्षेत्र और उस प्रकार की मिट्टी जहां पर नदियों का जल प्रतिवर्ष पहुंच जाता है, वहां पे नई मिट्टी की लेयर पहुंच जाती है, वहां पे अवसाद पहुंचते रहते हैं, तो वह मिट्टी खादर मिट्टी कहलाती है। इसमें सिंचाई भी की आवश्यकता कम होती है, इसमें उर्वरक कम डालना पड़ता है, जल को धारण करने की क्षमता इसकी अधिक होती है। तो कुल मिलाकर के इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, उर्वरक की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए जैसे जो नदी क्षेत्र के लोग होते हैं वहां पर बुआई करना होता है, फिर कटाई करना होता है, बीच में कुछ इस प्रकार की खेती में नहीं कहा जाता। विभिन्न प्रकार के नदियों के आसपास एक माझा शब्द प्रयोग में लाया जाता है, जहां पर फसलों की बुआई और कटाई ही का कार्य किया जाता है, वहां पर सिंचाई उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। तो जो नदी क्षेत्र के लोग होंगे वो इस प्रकार के नामों से बहुत अच्छे से परिचित होंगे और वहां पे उनके यहाँ उसी प्रकार की खेती भी की जाती है। तो खादर मिट्टी इसको कहा जाता है। बांगर मिट्टी, जहां पर पूर्व में नदियों का जल एक बार पहुंचा उससे मिट्टी का निर्माण हो गया, उसे बांगर कहा जाता है, किंतु ऐसे मिट्टी के क्षेत्र में अब नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। इसी के कारण से यहाँ पे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती है इस प्रकार की मिट्टी में, क्योंकि यहाँ कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई करना पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या वहां पे है तो अनाज उत्पादन करना ही करना है, क्योंकि भूख की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी और भोजन अनाजों से बनेगा। तो अनाज के लिए इस क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में सिंचाई करनी पड़ती है, और चूंकि भूमि से जल का अगर निकासी की सुविधा नहीं है तो उसमें क्षार तत्व की अधिकता हो जाती है, क्षारीय और लवणीय मिट्टी का यहाँ पे उदय हो जाता है, तो क्षारीय और लवणीय मिट्टी बन जाती है, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी बन जाती है, तो जहां पे ज्यादा जो है सिंचाई इस तरीके से होती है। अगली जो है मरुस्थलीय किस्म की मिट्टी। उत्तर प्रदेश के अगर जलवायु संरचना को देखा जाए तो पश्चिम का जो क्षेत्र है वो राजस्थान से क्लोज में आता है, और उत्तर प्रदेश के दो जिले, जैसा कि इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आगरा एवं मथुरा, वह उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो राजस्थान से संपर्क में है, और राजस्थान मरुस्थलीय जनपद, मरुस्थलीय प्रदेशों की श्रेणी में आता है, तो वहां पे तापमान उच्च होता है, और इस कारण से, उच्च तापमान के कारण से और शुष्क हवाओं के कारण से वहां पर पर्वतीय क्षेत्रों के या पत्थरों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण हुआ है, और वह मिट्टी मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी हो जाती है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के एक इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो मरुस्थलीय किस्म की मिट्टी है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा पाई जाती है। इसमें फास्फोरस और लौड़ की मात्रा ज्यादा होती है, लौड़ मतलब साल्ट होता है, तो उस मिट्टी में फास्फोरस और साल्ट की अधिकता होती है। किस मिट्टी में? मरुस्थलीय मिट्टी में, जो कि
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इतना आप लोगों ने यह समझ लिया जो कि मध्यवर्ती मैदान के मिट्टी से संबंधित है कि वो मध्यवर्ती मैदान कहाँ पाया जाता है, मध्यवर्ती मैदान का निर्माण किससे हुआ है, कहाँ पाया जाता है, भावरतराई के दक्षिण में तथा पहाड़ियों पठारी मिट्टी के उत्तर में पाया जाता है और इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से, कीचड़ और काप से बना हुआ है। चूंकि वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बनता है इसलिए वो बहुत उपजाऊ किस्म की होती है। फिर उसमें भी दो प्रकार की मिट्टियां हैं, खादर और बांगर किस्म की मिट्टी। क्योंकि बांगर क्षेत्र में ज्यादा सिंचाई नहीं होती है, बांगर क्षेत्र में नदियों का जल प्रतिवर्ष पहुंच नहीं पाता है, इसलिए वहां पे उत्पादन करने के लिए कृत्रिम रूप से सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए वहां पे उस जल की निकासी ना होने की स्थिति में लोड़ियों क्षारीय मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी भी पाई जाती है क्योंकि वहां पे शुष्क वायु और उच्च तापमान होता है जिससे पहाड़ी पठारी एवं चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है जिसमें फास्फोरस और लवण यानी कि साल्ट की अधिकता पाई जाती है। फिर दक्षिण में हम लोग आते हैं पहाड़ियों पठारी क्षेत्रों में। चूंकि इसका निर्माण अगर देखा जाए तो इस मिट्टी, जैसा कि ये पठार भी था, आप भी बात हुई थी कि बहुत पुराने समय का ये पहाड़ और पठारी क्षेत्र है जिसमें क्षरण हुआ है और इसी कारण से ये अवशिष्ट पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों की श्रेणी में इसको सम्मिलित किया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ की मिट्टी का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। यह प्री कैम्ब्रियन युग इसी तरीके से कुछ समय के आधार पर अलग अलग नामकरण किए गए हैं काल का, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इस क्षेत्र का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में ककरीली पथरीली ऊबर खाबड़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, इसकी ये विशेषता है। किंतु यहाँ पर एक और मिट्टी, लाल मिट्टी, कभी कभी परीक्षा में यहां से पूछा गया है। तो लाल मिट्टी को अगर देखा जाए तो ये सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और कुछ जो है दक्षिणी इलाहाबाद के क्षेत्र में और झांसी में ये पाई जाती है। झांसी से संबंधित सवाल भी पूछा गया है इसके पूर्व में प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर यह लाल मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश के इन जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया मिर्जापुर में और सोनभद्र में, चंदौली में, इलाहाबाद के दक्षिणी क्षेत्रों में और झांसी में यहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि इन सभी क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। यहां से सवाल भी प्रीलिम्स वगैरह में पूछे गए हैं, विशेष करके झांसी को लेकर के लाल मिट्टी से संबंधित सवाल पूछा गया है। तो अब ये हो गया जो है मिट्टी के आधार पर उत्तर से दक्षिण और मध्यवर्ती क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं, इसमें काली मिट्टी भी देख लेते हैं। काली मिट्टी, एक तो लाल मिट्टी हम लोगों ने देख ही लिया और इसी तरीके से आर्द्र भूमि। ये भारत की जो है 5.15% भूमि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और सबसे ज्यादा सोनभद्र में पाई जाती है और सबसे कम देखा जाए तो ये बागपत में पाई जाती है। मिट्टी सबसे कम बागपत में पाई जाती है और सोनभद्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है मिट्टी। आर्द्र भूमि एक ऐसी भूमि होती है जो नम होती है, दलदली होती है। यह जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ पर विविध किस्म के पशु पक्षी पाए जाते हैं, विविध किस्म की वनस्पतियों का उदय होता है और उन वनस्पतियों के जीवित रहने, वनस्पतियों के अनुकूलन के लिए यहाँ की जलवायु बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आर्द्र भूमियों का भी अध्ययन हम लोग हमेशा से ही करते हैं। उत्तर प्रदेश में देश का 5.15% भूमि पाई जाती है, सोनभद्र में सबसे अधिक पाई जाती है और बागपत में सबसे कम भूमि पाई जाती है। तो यह रही जो है काली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। काली मिट्टी अगर किसी क्षेत्र से पूछ लिया जाए तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे करेल की भी मिट्टी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, और लाल मिट्टी के संदर्भ में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया कि झांसी, इलाहाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर के क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जा सकती है या पाई जाती है। तो ये हो गई जो है लाल मिट्टी के बारे में, और आर्द्र भूमियों के बारे में यहाँ पर हो गया। तो मूल रूप से जब हम भूमियों का अध्ययन करते हैं तो हम इसी भौगोलिक संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटे गए जो है भूमियों के भौगोलिक संरचना के आधार पर मिट्टी का अध्ययन कर लेते हैं। और कुछ मिट्टी जो बहुत ही थोड़े और कम क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें लाल मिट्टी, काली मिट्टी, आर्द्र भूमियां होती हैं, तो उसको देख लेते हैं। बाकी मध्यवर्ती क्षेत्र में लवणीय, क्षारीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी को भी इसमें हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं। तो इससे एक खाका बन जाता है। हालांकि इसमें तथ्य की चीजें हम लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं देखा। हालांकि इसी के बाद जो है हम लोग एक क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे, जहां पर इससे संबंधित बनने वाले सभी सवालों को सम्मिलित किया जाएगा, और जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम लोग हल करेंगे। लेकिन अगर इन आधारों पर आप लोग अपने मस्तिष्क में एक इमेज पैदा कर लेंगे तो डेफिनेटली इससे एक समझ पैदा होगी, और इससे संबंधित पूछे जाने वाले सवालों को थोड़ा सा अगर वो चेंज करके भी उसके फॉर्मेट को पूछेगा तो आप लोग हल करने में अपने आप को सहज पाएंगे। तो हमेशा से ये कोशिश कीजिए कि हम समझ आधारित पढ़ाई करें, क्योंकि वो चीज़ें ड्यूरेबल होती हैं, भूलती नहीं हैं। और जिस तरीके से प्रीलिम्स वगैरह में भी पैटर्न चेंज किया हुआ है यूपीपीएससी ने, और यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो किया, हालांकि पूरी तरीके से उस स्टैंडर्ड के सवाल अभी यहाँ नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से स्टैंडर्ड बढ़ाए गए हैं, थोड़े से फैक्चुअल जो प्रवृत्तियां हैं, टेंडेंसी है, उसको कम किया गया है, और एक कॉन्सेप्ट आधारित सवाल को पूछे जाने की परंपरा बढ़ रही है। तो इसलिए हमेशा से आप समझ आधारित पढ़ाई कीजिए, और आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में अपने दावेदारी को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ अपने सभी पाठ्यक्रम का बेहतर ढंग से तैयारी करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये टॉपिक आप लोगों के समझ आधारित तैयारी के लिए, ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अगले लेक्चर में हम इसके अगले पार्ट को लेकर के मिलेंगे। तब तक नमस्कार।